मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में बनारस की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ में 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। एमपी एमएलए कोर्ट के जज अवनीश गौतम ने सोमवार को सजा सुनाते हुए कहा कि अगर दोषी 1,00,000 रुपए की जुर्माना राशि अदा करने में सक्षम नहीं होता है तो उसकी एवज में सजा की मियाद 6 महीने बढ़ जाएगी। मुख्तार को अदालत से मिली सजा के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा कि अब कानून की ताकत से उन्हें सजा दी जा रही है। सजा भाजपा सरकार में ठोस पैरवी का नतीजा है। सपा सरकार जिन्हें संरक्षण देती थी, बिरयानी खिलाती थी, अब उन्हें कानून की ताकत से सजा मिल रही है। यूपी को अपराध के लिए नहीं, वर्तमान में सबका साथ सबका विकास के लिए, बिना भेदभाव गरीबों के कल्याण के लिए, सुशासन और चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के लिए, अपराध करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई के लिए जाना और पहचाना जा रहा है। बदल रहा है उत्तर प्रदेश। बता दें कि अब से लगभग 3 दशक पहले 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की वाराणसी के लहुराबीर चेतगंज इलाके में उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वो अपने छोटे भाई अजय राय के साथ अपने मकान के बाहर खड़े थे। एमपी एमएलए कोर्ट से अवधेश राय मामले में मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद अजय राय खेमे में खुशी की लहर है, वहीं मुख्तार खेमे में मायूसी छा गई। हालांकि अवधेश राय हत्याकांड में अदालत के आए फैसले का छोटे भाई अजय राय ने स्वागत किया, लेकिन भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगाए। मुख्तार अंसारी को सजा के बाद अजय राय ने कहा कि अनहोनी की जिम्मेदार बीजेपी सरकार ही होगी। उन्होंने खुद की जान को खतरा बताया और सुरक्षा में 2 जवानों को दिए जाने पर सवाल उठाया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी पर बने रहें।